इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, अभी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा, लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है, इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। सुना आपने, ये प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण है जिसे सुनकर कई लोगों ने जमकर ठहाके लगाए तो कईयों ने इसकी कड़ी निंदा भी की। मोदी ने अपने इस भाषण में साफ कर दिया कि भले ही बाकी चीजों में वो कमजोर दिखें, लेकिन राजनीति और रणनीति में उनको मात देना इतना आसान नहीं है। दरअसल आजकल नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में जहां एक तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीं मायावती के खिलाफ काफी नर्म शब्दों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। अब आलम यह है कि प्रधानमंत्री के इस एटीट्यूड से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने 23 मई के बाद के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्लान बी तैयार कर लिया है और इस प्लान के तहत क्राइसिस के समय एनडीए में मायावती की एंट्री कैसे करवाई जाएगी, इस पर काम चल रहा है। हालांकि मायावती ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बांटने और राज करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में रविवार को मायावती ने सपा और आरएलडी से गठबंधन पर कहा कि हमारा गठबंधन मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी इसे पहचान नहीं पा रहे। मायावती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बांटो और राज करो की नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। फूट डालो राज करो की हताश नीति के तहत ही कल प्रतापगढ़ में इन्होंने बसपा व सपा के बारे में वह सब बातें कही जो पूरे तौर से निराधार व तथ्यहीन थी, तथा उनका खास मकसद केवल यहाँ हमारी दोनों पार्टियों को आपस में लड़ाना व उनके समर्थकों को भ्रमित करने का ही प्रयास करना था। कांग्रेस से समझौते के दावे पर भी मायावती ने रुख स्पष्ट किया है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है और ये गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए है। इसी के चलते बीजेपी और आरएसएस वादी ताकतों को कमजोर करने के लिए यूपी में अमेठी रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है, ताकि कांग्रेस के दोनों बड़े नेता फिर से चुनाव लड़ें और इन्हीं दोनों सीटों में ही उलझकर ना रह जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी ने बहन जी को धोखा दिया है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के नेता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी की रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं। मायावती खुलेआम कांग्रेस की आलोचना करती हैं, कांग्रेस को कोसती हैं, वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर नरमी दिखाती है। यूपी में भाजपा को हराने के लिए दो धुर विरोधी दल गले मिले, इनकी दोस्ती में तो अब दम नहीं दिख रहा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बहन जी को ऐसा धोखा दिया है जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की। अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। बहन जी को ऐसा धोखा इन लोगों ने दिया है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा।